उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपकी यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में क्या होता है। ठीक है ना, ये बहुत तरह के इंडिकेटर्स को मिक्स करके बनाया जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। और इसमें अलग अलग कलर आते हैं, एक पीएच चार्ट होता है। ठीक है, एक पीएच चार्ट होता है, उस पर अलग अलग कलर आते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को उसके हिसाब से मेजर करते हैं। वो भी मैं आपको शो करूँगा पीएच चार्ट क्या होता है। ठीक है, उसमें क्या क्या कलर होते हैं, पहले पीएच समझें कि पीएच क्या होता है। ठीक है ना, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर वो होता है कि जिसमें बहुत अलग अलग टाइप के इंडिकेटर्स को मिक्स करके एक इंडिकेटर बनाया जाता है। ठीक है ना, जो H प्लस आयन की जो अलग अलग कंसंट्रेशन होती है उस पर अलग अलग पीएच की वैल्यू देता है। ठीक है ना, और अलग अलग कलर दिखाता है, तो वो एक पूरा पीएच चार्ट बनता है जिसमें वैल्यू 0 से 14 तक होती है। ठीक है, और उसमें सबके अलग अलग कलर और शेड्स होते हैं, तो वो बताता है कि अगर ये कलर है तो ये कितना पीएच होगा, ये कलर है तो कितना पीएच होगा, तो वो यूनिवर्सल इंडिकेटर का काम होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं पीएच स्केल के लिए। ठीक है ना, तो पीएच स्केल जो है वो एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करने का एक स्केल होता है। ठीक है, जिसमें P जो होता है वो स्मॉल लेटर में होता है और H आपका कैपिटल में होता है। बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इसको कैपिटल करेंगे तो मार्क्स कटेंगे। ठीक है, pH, तो pH में P स्मॉल, H कैपिटल, और P का मतलब होता है पोटेंस। पोटेंस एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर, और पावर किसकी, H प्लस आयन की। जितना ज़्यादा H प्लस आयन होगा है ना, उतनी उसकी पावर ज़्यादा होगी। तो pH के बारे में कुछ समझते हैं। अगर पीएच किसी सब्सटेंस का 7 है तो वो सब्सटेंस न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब ना वो एसिड है ना वो बेस है। अगर किसी सब्सटेंस का पीएच लेस देन 7 है, मतलब 6.9 से आप लेफ्ट साइड जाते जाए 0 तक, तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक। जैसे किसी का पीएच 3 है, 3.5 है, तो वो एसिडिक सॉल्यूशन है। किसी का पीएच ग्रेटर देन 7 है तो वो क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा। तो जो पीएच चार्ट की मैं बात कर रहा था वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आपका पीएच चार्ट है, इसमें आप देख रहे हैं 0 से लेके 14 तक वैल्यू। ठीक है, तो मैंने बताया था ना 7 पे न्यूट्रल है, 7 के लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो एसिड मिलेगा, राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो बेस मिलेगा। ठीक है, और आप जैसे ऐसे जाते जाएंगे तो एसिडिक करेक्टर और बढ़ता जाएगा, आप ऐसे जाएंगे तो बेसिक करेक्टर और बढ़ता जाएगा। ठीक है, पहले तो वो देख लेते हैं कि पीएच चार्ट है क्या। तो ये पीएच चार्ट शोइंग कलर्स ऑफ डिफरेंट पीएच वैल्यूज। ठीक है, अगर पीएच आप कोई मतलब लिटमस टेस्ट कर रहे हैं, मान लो लिटमस का पेपर ऐसे कलर का हो जाता है, ऑरेंज कलर का, तो जो आप सब्सटेंस को चेक कर रहे हैं ना उसका पीएच कितना होगा, 4 होगा। अगर येलोइश ग्रीन हो जाता है तो उसका सब्सटेंस का पीएच क्या होगा, 6 होगा। अगर येलो हो जाता है तो सब्सटेंस का पीएच क्या होगा, 5 होगा। अगर आप बेस के लिए चेक कर रहे हैं और आपका कलर ब्लूइश पर्पल हो जाता है तो आपका पीएच क्या होगा, 10 होगा, मतलब वो बेस होगा, अल्कली या अल्कलाइन। ठीक है ना, और पर्पल हो जाता है तो उसका पीएच 11 होगा, अगर डार्क पर्पल हो जाता है तो 12 होगा। ये आपको केमिस्ट्री लैब में भी पीएच चार्ट मिल जाएगा, और इवन एनसीईआरटी बुक में भी ये पीएच चार्ट दिया हो। तो ये अलग अलग वैल्यूज है पीएच की, जो ये बताती है कि कैसा कलर होगा तो उसकी तब क्या पीएच की वैल्यू होगी। और भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ कॉमन सम कॉमन सॉल्यूशंस की पीएच की, वो भी देख लेते हैं। जैसे गैस्ट्रिक जूसेस जो स्टोमक में प्रेजेंट होते हैं उनका पीएच 1 to 1.2 होता है। लेमन जूस सभी को पता है 2.2 से 2.4 होता है उसका पीएच, है ना। तो आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं ना कैसा होता होगा उसका पीएच चार्ट में। अगर आप देखेंगे तो उसका कलर कैसा आएगा, रेड। ठीक है, विनेगर एसिटिक एसिड उसका क्या आता है, 3 पीएच, तो उसका कैसा कलर होगा, ऑरेंज रेड, ऑरेंज रेड जैसा, ऑरेंज और रेड मिक्स जैसा है। बियर उसका 4 to 5 इसमें घूमता रहेगा, 4 to 5 में। कॉफ़ी का 4.5 to 5.5 तो इतना रहता है उसका, इसलिए वो थोड़ा एसिडिक होता है। एसिड रेन 5.6, मिल्क 6.5, ह्यूमन सलाइवा 6.5 to 7.5 ये रेंज चलता है। प्योर वाटर का 7 होता है। ठीक है, ह्यूमन ब्लड का स्लाइटली अल्कलाइन होता है 7.36 से 7.42। अल्कलाइन मीन्स स्लाइटली बेसिक होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन तो बेसी है 8.4, ये सब 7 से ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये सब क्या है, इनका पीएच का वैल्यू 7 से ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा जिनका पीएच होता है वो क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। तो 8.4, 8.5, 9, 10.5, 12, 14 ये सब दे रखे हैं, वॉशिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, हाउस होल्ड अमोनिया, है ना, और 1 मोलर कंसनट्रेशन NaOH की, तो उसका कितना होता है 14, मतलब सबसे ज़्यादा बेसिक है ना। तो ये कुछ चीज़ें थी, ठीक है, जो पीएच चार्ट से रिलेटेड थी। अब हम आ जाते हैं
ठीक है, तो मैंने आपका डिसाइडिंग फैक्टर 7 बताया था. 7 क्या आप लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, मतलब अगर आप ऐसे जाते हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, और अगर आप ऐसे जाते हैं राइट हैंड साइड तो बेसिक नेचर बढ़ेगा. बेसिक मतलब अल्कलाइन नेचर. आप बेसिक बोले या अल्कलाइन बोले कन्फ्यूज मत होइए, ठीक है. बेसिक और अल्कलाइन का मतलब एक ही होता है, ठीक है. तो ये क्या होगा, एसिडिक नेचर बढ़ने का मतलब एच प्लस आयन का कंसनट्रेशन बढ़ना. मतलब जितना एच प्लस आयन ज़्यादा होगा एसिडिक नेचर उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि जितने एच प्लस आयन सॉल्यूशन में बढ़ेंगे उतना वो एसिड क्या होगा, स्ट्रांग होगा. यही पढ़ते आ रहे थे स्ट्रांग एसिड में. तो जितने एच प्लस आयन ज़्यादा होंगे, ठीक है ना, उतना पीएच क्या होगा, इस साइड तो पीएच कम हो रहा है ना, तो मतलब एसिड में जितना कम पीएच होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा, और बेस में जितना ज़्यादा पीएच होगा वो ज़्यादा बेसिक होगा. इसको एक एग्जांपल से भी समझते हैं. जैसे कि मान लीजिए आपके पास 3 कंटेनर है, ठीक है. सबसे पहले बेस को समझते हैं, ठीक है. तो 3 कंटेनर है आपके पास, तीनों में अलग अलग बेसिस हैं. एक में बेस ए है, एक में बेस बी है, एक में बेस सी है. अगर ए का जो बेस है उसका पीएच 8.9 है, बी का पीएच 9.1 है, और सी का पीएच 12.3. ये सभी बेसिक है. ये सभी बेसिक इसलिए है क्योंकि इनका सभी का पीएच 7 से ज़्यादा है. ये सभी अल्कलाइन है, ठीक है. सभी बेसिक है या अल्कलाइन जो भी आप बोलो, ठीक है. तो ये सबसे पहले मैं यही समझा रहा हूँ. तो मैंने ये बोला है कि बेस में जिसकी पीएच की वैल्यू ज़्यादा होगी वो ज़्यादा बेसिक होगा. तो सबसे ज़्यादा पीएच की वैल्यू किसकी है, सी की. तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक होगा. ये सबसे ज़्यादा बेसिक होगा मतलब ये सबसे ज़्यादा ओएच माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा, क्लियर. उसी तरह उसके बाद कौन सी वैल्यू आती है, 9.1, और सबसे कम कौन सी आती है, 8.9. तो इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक कौन हुआ, सबसे ज़्यादा बेसिक हुआ सी, उसके बाद है बी, और उसके बाद है क्या, ए. तो सबसे ज़्यादा बेसिक सी है, उसके बाद बी आता है, और लास्ट में सबसे कम बेसिक जो सबसे कम OH- आयन प्रोड्यूस करेगा वो है ए. पर ऐसा ही उल्टा केस होता है किसके केस में, एसिड में. अब हम आ जाते हैं एसिड में. तो एसिड में अगर आप 3 कंटेनर लेते हैं, ए बी और सी. ए का मान लीजिए पीएच है 2.3, बी का है 1.9, सी का है 4.3, ठीक है. तो अब ये तो हमको पता है कि ये सभी की वैल्यू लेस देन 7 है, तो ये सभी के सब एसिडिक होंगे, ठीक है. अब इनमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, सबसे ज़्यादा एसिडिक मतलब सबसे ज़्यादा एच प्लस आयन का कंसनट्रेशन, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा एच प्लस आयन वो देगा सॉल्यूशन में, तो वो कौन देगा, वो देगा ए, क्योंकि इसमें जो पीएच की वैल्यू कम होगी वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा. तो यहाँ पे ए, ये सबसे, इसकी सबसे ज़्यादा तो है, इसकी तो है नहीं सबसे कम, ठीक है. तो सबसे ज़्यादा कम किसकी है, 1.9, जो कि है बी. तो बी सबसे कम है, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक हुआ. उसके बाद किसका नंबर आएगा, ए का, क्योंकि उसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा. तो बी ग्रेटर देन ए है ना, और उसके बाद कौन आएगा, सी आएगा. तो इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, बी, क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू सबसे कम है 1.9, तो वो सबसे ज़्यादा एच प्लस आयन देगा. और सबसे ज़्यादा पीएच वैल्यू किसकी, सी की 4.3, तो वो सबसे कम एच प्लस आयन देगा, ठीक है. अब हम आ जाते हैं कि एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करना है, तो वो भी आपको पता है. ये क्या होगा, ये 1.9 है, तो ये क्या होगा, एसिड होगा, क्योंकि इसका पीएच लेस देन 7 है. ये 7.6 है, तो ये क्या होगा, बेस होगा, है ना. ये भी बेस होगा क्योंकि इसका पीएच क्या है, 7 से ज़्यादा है. और ये क्या होगा, ये एसिड होगा, क्योंकि इसका पीएच 7 से कम है, ठीक है. ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, नाम से पता है, न्यूट्रलाइज करना. तो न्यूट्रलाइज कौन किसको कर सकता है, न्यूट्रलाइज एसिड बेस को कर सकता है, और बेस एसिड को कर सकता है. तो एसिड और बेस न्यूट्रलाइज होके सॉल्ट देते हैं और वाटर देते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों रिएक्ट होकर एक सॉल्ट दे रहे हैं और वाटर दे रहे हैं, ठीक है. तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है. ये उसमें भी होती है जब किसी को एसिडिटी होती है, तो वो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बताया था आपको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब वो डाइजी इनो, ये सब जो चीज़ होती है. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है MgOH होल ट्वाइस, ये एक बेस होता है. और स्टोमक के अंदर जो एसिड प्रोड्यूस होता है, तो ये बेस जब जाएगा स्टोमक के अंदर, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, तो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा वाटर, तो एसिडिटी रिमूव हो जाएगी और वो पर्सन का जो डिस्कम्फर्ट था वो ईज हो जाएगा, ठीक है. अब हम आ जाते हैं ऑन डाइल्यूटिंग एसिड. एसिड को जब डाइल्यूट करते हैं, ठीक है ना, तो एसिड को जब हम डाइल्यूट करते हैं तो क्या क्या हमको देखने के लिए मिलता है, इसको भी समझेंगे एक एग्जांपल्स के तौर पे. तो जब एसिड को हम डाइल्यूट करते हैं तो पीएच का वैल्यू इंक्रीज होता है.
एच का वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब है, जैसे मान लो जो कंटेनर है, सपोज पहले उसका पीएच 2.3 था, आपने उसमें वाटर ऐड किया तो उसका पीएच 2.3 से इंक्रीज होके 3.6 हो जाएगा या समथिंग कुछ और हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है वो भी जानते हैं। जब आप वाटर को ऐड करें तो आप चीज़ को समझिए, है ना, आपने वाटर ऐड किया, आपने एसिड ऐड नहीं किया, एसिड उतना ही है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं हमारे पास दो कंटेनर है, ए और बी। ए में कितना वाटर है, 50 ml, बी में कितना वाटर है, 100 ml, और इसके अंदर हम 10 ml क्या ऐड करते हैं, एसिड, और इसके अंदर भी 10 ml कोई भी एक एसिड यूज़ करते हैं। मतलब एसिड का मैंने जो कंटेंट रखा है वो 10 ml ही रखा है दोनों कंटेनर में, बस इसमें वाटर 50 ml है और इसमें वाटर कितना है, 100 ml है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ, जस्ट मैं फॉर एन एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ, मैं मान लेता हूँ कि 10 ml जो एसिड आपने डाला कंटेनर ए और कंटेनर बी में, है ना, जो 10 ml आपने डाला उसमें 1000 H+ आयन है। कितना आयन है, 1000। 10 ml एसिड में कितने आयन है, 1000 H+। 1000 H+ आपने ए में भी डाले और 1000 H+ आयन आपने बी कंटेनर में भी डाले। ए में कितना वाटर था, तो 50 ml वाटर में कितने आयन्स हुए, 1000 H+। तो 1 ml में कितने होंगे, मतलब 1 ml अगर आप सॉल्यूशन लेंगे तो उसके अंदर कितने H+ आयन आएंगे, 1000/50, तो कितना आएगा, 20 H+ आयन्स, सही है। मतलब कंटेनर ए में H+ आयन 1 ml सॉल्यूशन में कितने बनेंगे, 20। आप कंटेनर बी का निकालें तो कंटेनर बी में कितना वाटर है, 100 ml, आयन्स कितने हैं, फिक्स्ड 1000 H+, क्योंकि इसमें भी 10 ml एसिड है, इसमें भी 10 ml एसिड है, मैंने जस्ट मान लिया, सपोज कर लिया 10 ml में कितने, 1000 H+ है, तो इसमें 1 ml में कितने आएंगे, 1000/100, तो ये आप करेंगे तो 10 H+। तो किस में आयन ज़्यादा आए, आयन ज़्यादा आए कंटेनर ए में, उसमें 1 ml में 20 H+ आयन है, तभी तो बोला था उसका पीएच 2.3 था, और इसमें H+ आयन क्या हुए, कम हुए। तो अगर H+ आयन कम होते हैं, H+ आयन क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, तो pH की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो 2.3 से वो क्या शिफ्ट हो जाएगा, 3.6 पे, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये बहुत सिंपल है समझना, H+ आयन अगर कम होंगे तो वो एसिडिक नहीं होगा, वो बेस की तरफ बढ़ेगा, आप चीज़ को समझिए। अगर H+ डिक्रीज होते हैं तो बेस की तरफ बढ़ेगा, और बेस की तरफ बढ़ना है दैट मीन्स pH का क्या होना, इंक्रीज होना, क्योंकि 0-7 आपका एसिड है और 7-14 आपका क्या है, बेस है, ये एसिड है। तो अगर कोई H+ आयन की कंसेंट्रेशन को कम कर रहा है तो मतलब वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, कहाँ जा रहा है, लेफ्ट टू राइट, ये चीज़ को समझिए। लेफ्ट टू राइट जा रहा मतलब वो एसिड से किस तरफ मूव कर रहा है, बेस की तरफ, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, और अगर आप नहीं इसको क्लियर हुआ तो आप इसको एक बार और रिपीट करके देखिए तो आपको पक्का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑन डाइल्यूटिंग अ बेस, नेक्स्ट टॉपिक, तो वाइस वर्सा हैपन होगा, जो अभी तक हुआ था वहाँ पे पीएच इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे पीएच डिक्रीज होगा, क्योंकि बेस को डाइल्यूट करने से H+ आयन कंसेंट्रेशन क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी, पूरा वाइस वर्सा हैपन, ठीक है। और OH- आयन जो है, ठीक है, तो इंक्रीज इन H+ आयन कंसेंट्रेशन होगा और pH क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो ये वाइस वर्सा हैपन होगा कंपेयर टू प्रीवियस रिजल्ट। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। इस पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, और ये 2-3 DK वाला तो पूछा हुआ है, इस पर मैं आता हूँ, ये CBSE बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात करते हैं, और हमारी बॉडी का सिस्टम सबसे अच्छा वर्क करता है जब हमारा pH, बॉडी का जो pH का रेंज है वो 7 से 7.8 के बीच में होता है, ठीक है। और भी चीज़ें हैं, रेन वाटर का अगर pH लेस देन 5.6 हो गया तो वो रेन एसिड रेन कहलाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ हम डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं pH ऑफ सॉइल। सॉइल पता है, क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए, प्लांट के लिए, ट्रीज के लिए सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो वाइटल न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करता है। उसका भी pH रेंज एक ऑप्टिमम वैल्यू होनी चाहिए ताकि हेल्दी ग्रोथ हो सके। फिर आपका आता है pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो स्टोमक जो है वो HCl प्रोड्यूस करता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, क्योंकि HCl जो है वो एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है।
और वो एसिडिक मीडियम जो जर्म्स होते हैं स्टोमक के अंदर उनको किल करता है। और साथ ही साथ जो पेप्सिन होती है, जो एंजाइम होता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, उसको भी वो डाइजेस्ट करने में, मतलब उसको वो मीडियम प्रोवाइड करता है जिससे कि वो काम करता है। अब हम आ जाते हैं पीएच चेंज एज कॉज ऑफ टूथ डिके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टूथ डिके। अब ये कब होता है? ये तब होता है जब हमारे जो माउथ का पीएच का रेंज है वो 5.5 से कम हो जाता है। ये क्यों होता है? ये तब होता है जब कोई शुगर वाले सब्सटेंसेस या चॉकलेट हुआ या कुछ शुगर वाली चीज़ें जब खाते हैं तो जो माउथ का पीएच है वो ड्रॉप डाउन होता है, वो कम होना स्टार्ट होता है और एसिडिक हो जाता है। तो जैसे ही पीएच 5.5 से कम होता है कोई भी शुगर वाली चीज़ खाने के बाद, तो बहुत सारे जर्म्स और बैक्टीरिया उस पर अटैक कर देते हैं। ठीक है, जो टूथ इनेमल होता है जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, टूथ इनेमल वो होता है जिसमें टूथ फिक्स होते हैं, टीथ फिक्स होते हैं। ठीक है, जो हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ये ज़रा ध्यान रखना, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन बॉडी विच इज़ कैल्शियम फॉस्फेट, जो कि टूथ इनेमल जिसका बना होता है। तो उसको आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं? टूथपेस्ट यूज़ करके, क्योंकि टूथपेस्ट जो होता है वो बेस होता है और बेस क्या करता है, जो एसिड बनता है माउथ में उसको वो रिमूव कर देता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करके, क्योंकि बेस एसिड के इफेक्ट को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, सप्रेस कर देता है, ख़त्म कर देता है। ठीक है, फिर आते हैं हम सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स अपना सेल्फ डिफेंस करते हैं, जैसे कि बी स्टिंग, मधुमक्खी जो होती है वो काट लेती है, उसका स्टिंग चुबा देती है जिससे कि पेन और इरिटेशन होता है। तो उसमें हम बेकिंग सोडा या कोई और जो लैक्टोकैलामाइन सॉल्यूशन ऐसा कुछ लगा के वो पेन और इरिटेशन को कम कर सकते हैं, क्योंकि वो एसिड इंजेक्ट करती है बॉडी में, तो एसिड को कौन ख़त्म कौन न्यूट्रलाइज कर सकता है, बेस कर सकता है, इसलिए हम बेस लगाते हैं। नेटल जो लीव्स होता है उसका जो स्टिंगिंग हेयर होता है वो मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट कर देता है जो कि बर्निंग सेंसेशन देता है। और डॉग प्लांट एक होता है जिसकी लीफ को हम अगर उस पर रब करें तो वो बेस की तरह काम करता है और हमको वो इंस्टेंट रिलीफ देता है। ठीक है, तो ये ऑल ऑफ ये था आपका पीएच ऑफ, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच जो जा चुका है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पीएच ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, पीएच ऑफ सॉल्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ तीन कैटेगरी में रिएक्शन डिवाइड है। एक है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तो ऑब्वियस सी चीज़ है दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो आपको सॉल्ट कैसा मिलेगा? न्यूट्रल, जिसका पीएच क्या होगा? 7। ठीक है, इसका एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक मिनरल एसिड है जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा NaCl और वाटर। ठीक है, जिसका पीएच कितना होगा? 7 होगा। कितना होगा? 7। फिर हम आ जाते हैं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। यहाँ पे देखिए एसिड स्ट्रॉन्ग है पर बेस वीक है, तो जो सॉल्ट बनेगा उसका नेचर कैसा आएगा? एसिड आएगा, क्योंकि एसिड अपना इफेक्ट दिखाएगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, बेस तो वीक है। तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? एसिडिक बनेगा, क्योंकि बेस तो अपना मतलब जो उसका स्ट्रेंथ है वो शो नहीं कर पाएगा क्योंकि वो वीक लिया है हमने। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड हमने क्या ले लिया? HCl, और वीक बेस क्या ले लिया? NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें से देखिए रिएक्शन समझना भी बहुत सिंपल होता है, ये H प्लस और ये Cl माइनस देगा, ये NH4 अमोनियम आयन देगा और OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन देगा। तो ये NH4 प्लस और Cl माइनस, ये कैटायन है ना प्लस और ये माइनस है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे? आयोनिक बॉन्ड बना लेंगे। NH4 प्लस और Cl माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करके क्या बना लेगा? NH4Cl बना लेगा। और H प्लस और OH माइनस, ये H प्लस है ये माइनस है, ये प्लस और माइनस मिलके H2O बना लेंगे, ये भी आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, तो ये था आपका सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब हम आ जाते हैं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। तो यहाँ एसिड वीक ले लिया, तो बस सिंपल सी चीज़ है, यहाँ एसिडिक सॉल्ट बन रहा था, यहाँ बेसिक बनेगा। इसका पीएच क्या आएगा? 7 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि सॉल्ट कैसे नेचर का होगा? उसमें बेसिक नेचर ज़्यादा होगा क्योंकि आपने बेस स्ट्रॉन्ग लिया है और एसिड क्या लिया है? वीक लिया है, तो एसिड तो अपना स्ट्रेंथ शो कर नहीं कर पाएगा। तो उसका एग्जांपल है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आपका एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड किस में प्रेजेंट था? स्टार्टिंग में समझाया था विनेगर में। ठीक है, तो विनेगर आपका एक ऑर्गेनिक एसिड होता है, ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड्स होते हैं, तो वीक एसिड लिया है आपने और एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया, तो इसमें भी वही होने वाला है। देखिए NaOH है ना, तो इसको जरा आप समझिए, NaOH आपको Na+ देगा
और OH माइनस देगा, ठीक है। और ये जो CH3 से OH है ना, ये आपका CH3 COO माइनस और H प्लस देगा, ये इसके आयन्स हैं। इसको बोलते हैं एसीटेट आयन, ये आपका सोडियम आयन, ये कैसा है प्लस, ये कैसा है माइनस, तो प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ये दोनों, तो वो क्या बना लेंगे CH3COO और Na, तो CH3COO ये रहा और Na ये रहा, तो ये बन गया, ठीक है। ये मैंने इससे ग्रीन कलर से भी समझाया हुआ है, CH3COO और ये वाला Na, ये बन जाएगा यहाँ पे एक्वस फॉर्म। और ये OH माइनस जो बचा और ये H प्लस बचा, OH माइनस H प्लस क्या बना लेंगे, H2 बना लेंगे, हो गई सिंपल सी रिएक्शन, याद करने के।